वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ट्रेडिशनल हेल्थ ड्रिंक्स रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे आप अपने डेली रूटीन में सप्लीमेंट के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्रिंक से आपको ढेर सारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैट और फाइबर मिलेगा। या फिर कोई भी फेस्टिवल में, जैसे कि अभी होली आने वाली है, तो अपने गेस्ट को एक वेलकम ड्रिंक के तरफ भी सर्व कर सकते हैं, या तो सामर कूलर के तरफ भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें पहले एक पाउडर बनाना पड़ेगा। ये पाउडर को आप स्टोर भी कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट यूज़। पहले ग्राइंडर में 3 वॉलनट, 10 काजू लेना है और इसके साथ आलमंड 10 लेना है। इसमें पिस्ता 15 से 20 लेना है, इलायची 5 से 6 और थोड़ा सा जायफल डालना है। अभी ये है पप्पी सीड्स यानी पोस्तो, या तो इसको खसखस भी बोलते हैं, 1 चम्मच जैसा खसखस। अभी मिलाना है केसर, कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट पाउडर और सनफ्लावर सीड और काली मिर्ची और सौंफ। पाउडर होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काउ मिल्क, 500 ml काउ मिल्क। पर अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या तो आपको कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आप आलमंड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले पैन में मिल्क डालना है और इसे बॉयल होने के लिए वेट करना है। अभी इसमें मिलाना है वो पाउडर जो हमने पहले बना के रखा है। तो मैं यहाँ पे 3 पर्सन के लिए ये बना रही हूँ, तो मैंने 6 स्पून वो पाउडर मैंने इसमें मिक्स किया है। इसे हॉट ड्रिंक के तरह यूज़ करना है, तो ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें आप हनी ऐड कीजिए और इसे सर्व कर दीजिए। पर अगर आपको होली के पर्पस में यूज़ करना है, तो इसे रेफ्रिजरेटर में 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसमें मिलाइए हनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। मार्केट की हानिकारक कोल्ड ड्रिंक से बचिए और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।